मंत्री बीडी कल्ला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण कोयले के दाम बढ़े हैं। तो बीडी कल्ला की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। उनका कहना है इसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है, इसमें 1100 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। 76 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीडी कल्ला ने माना कि कोयले की कमी से यह उत्पादन बाधित हुआ। कोल इंडिया की तरफ से कोयले की आपूर्ति होती है, इसका नियंत्रण पूरी तरह भारत सरकार के हाथों में है। शशि मोहन हमारे सहयोगी बने हुए लगातार। शशि मोहन, महंगे बिजली को लेकर जो मसला उठा था, अब एक तरफ कोयले की कीमत पर अब बहस देखने को मिल रही, जो बातें बीडी कल्ला ने कही हैं कितनी प्रासंगिक इस वक्त नजर आ रही है मौजूदा समय में, जबकि केंद्र जो है दोषारोपण राज्य सरकार पर कर रहा है। शशि मोहन, स्थगन प्रस्ताव लगाया गया था विधानसभा में और इसके जरिए बिजली की कीमतों, बिजली सप्लाई और जो सप्लाई में बाधा रही, उत्पादन में कमी आई, उसको लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा था। कल बीडी कल्ला कुछ आंकड़ों की कमी के कारण जवाब नहीं दे पाए थे, उन्होंने आज का दिन तय किया था और आज जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले बहुत कम समय में, पिछले तकरीबन 3 से 6 महीने के भीतर 1100 रुपए प्रति टन कोयले की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड है, वो सप्लाई करती है कोयला और वो भारत सरकार के अधीन आती है। इन्होंने विपक्ष के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, उपनेता को नसीहत दी कि उनकी पार्टी के लोकसभा के सभी सांसद यहाँ पर राजस्थान से नुमाइंदगी करते हैं, उनके जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, कोयले की आपूर्ति सुचारू करवाई जाए और अगर संभव हो तो दाम को लेकर के भी कुछ कमी की बात की जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो सेस लगाए गए उसके ऊपर भी कहा कि पिछली सरकार के समय भी इस तरह के सेस लगाए गए थे। हालांकि हर सरकार देखिए अपनी खाल बचाने की कोशिश करती है, उसी कवायद के रूप में यहाँ देखा जाना चाहिए। बीडी कल्ला अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार और उनके विभाग पर किसी तरह की आंच ना आए। ऐसी कोशिशें जब कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी तब कांग्रेस आरोप लगाती थी और बीजेपी उसको बचाने की कोशिश करती। जी अभिनव, चलिए शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। उधर राजधानी जयपुर से खबर है, दिल्ली